नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। ये जो हमारे फल लाता है, एक संतरा या पपीता अनार हुआ कुछ हुआ, उसका छिलका हम लोग कभी कभी मतलब फेंक देते हैं, इसका फर्टिलाइजर बन सकता है। इसको भिगो देंगे 2 दिन तक ले, तो उसके बाद हम इसको पौधे में डालेंगे। इसकी ग्रोथ जो पौधे के फायदेमंद है, ग्रोथ भी बहुत होता है, इससे फूल भी ज़्यादा आता है। ये संतरा छिलका है, इसको हम अनार भी है, इसमें अनार पपीते छिलकर इसको हम भिगो दे रहे हैं। इसमें किचन वेस्ट से या किचन फल छिलके से फर्टिलाइजर बहुत अच्छा बनता है। देखिए, इसको हम भिगो देंगे, इसको हम 2 दिन तक ढक कर, किसी बाल्टी में किसी में हो मतलब या डिब्बा हो कुछ हो उसमें भिगो के इसको रख दें। फिर इसमें पानी मिला के इसको हम सब पौधे में डाल देंगे, या सब्जी हो या फल वाले, किसी भी फूल वाले कोई पौधा किसी में यूज कर सकते हैं इसको। इसको हम यहाँ रख दिए हैं, अब ये 2 दिन बाद खोलेंगे। अब 2 दिन तक यहाँ से ढक के रखे रहेंगे, जब 2 दिन बाद खोलेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, सब पौधे में डालेंगे इसको। जो फल वाले हम छिलके भिगो के रखे 2 दिन पहले, इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसको अब आज हम डालेंगे पौधे में, पानी मिला के फिर बना के इसको हम छान के इसमें संतरे अनार छिलके पपीते भिगो के रखे थे 2 दिन पहले, इसको छान लेंगे। हो गया, इसको हम इसमें मिला डालेंगे। अब इसमें हम पानी मिला ले रहे हैं, हमारे सब गुलाब के हैं, इसी में हम डालेंगे। एक गुड़हल वाला है, इसी में डाल रहे हैं। छिलके वाले हम लिक्विड बनाए थे फर्टिलाइजर, वो हम गुलाब पौधे में डाल दिए हैं। किचन फल वाला हमेशा या किचन वेस्ट या छिलके आलू के कुछ भी या फल वाले जो छिलके निकलते रहते हैं, आप लोग भी इस तरह के फर्टिलाइजर बना के पौधे में डाल सकते हैं, फूल या सब्जी वाले किसी में डाल सकते हैं। पौधे हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फूल काफ़ी आएंगे। अगर ये फर्टिलाइजर वाला वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।